गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतीन पंचयितां संस्मरण नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। देखिए अति आवश्यक प्रश्न है। प्रायः सभी माता बहनों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। कई लोग टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ भी प्रश्न करने की अनुमति या स्थिति रहती है वहाँ प्रश्न करते रहते हैं कि माता बहनों को शिवलिंग का या शालग्राम का स्पर्श करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कई बार इसका बोल करके उत्तर दिया गया यद्यपि, लेकिन वीडियो बना करके अभी नहीं कहा गया। तो इसी बीच में अभी एक प्रश्न और आया है, यही ये मनीष रयाल जी का, कि मेरा प्रश्न यह है कि क्या स्त्रियां शिवलिंग का स्पर्श कर सकती हैं, और नहीं कर सकती हैं तो क्यों नहीं कर सकती हैं, ये क्या इसमें मतलब शास्त्रीय प्रमाण क्या है। तो देखें, यद्यपि आजकल तो शिव जी का मंदिर ही ऐसा बना दिया गया है कि वहाँ स्वान तक की जो प्रवेश स्थिति बनी हुई है, चाहे कोई चाहे जब चाहे जिस अवस्था में जाए, एक तरीके का लावारिस। शिव मंदिर, हनुमान मंदिर और भगवती दुर्गा जी का मंदिर, ये सब ऐसे हैं। गांव में लगभग 2-5 मंदिर हर गांव में है और सबकी स्थिति ऐसी ही है, विधिवत पूजा कहीं नहीं हो रही है। मुख्य रूप से जो गर्भगृह है मंदिर में, जिसमें देवता विद्यमान रहते हैं, वहाँ केवल पुजारी को ही जाना चाहिए और मूर्तियों का स्पर्श करना चाहिए। अन्यथा चाहे शिवलिंग हो या किसी भी देवता की मूर्ति हो, हर समय पुजारियों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। बड़ा स्पर्श पर बड़ा विचार है। फिर यदि मंदिर में जाना चाहते हैं तो कम से कम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिनका यज्ञोपवीत हो गया है वे मंदिर में प्रवेश करके विशेष पूजन कर सकते हैं, ये भी स्थिति है। अन्यथा अब मंदिर में जाना, माताओं को पूजा सब लोग कर सकते हैं, अपने घर में भी यदि शिवलिंग है किसी के तो वहाँ भी पूजा तो माताएं बहनें भी कर सकती हैं। अनुपनीत जिनका उपनयन नहीं हुआ है ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी कर सकते हैं, शूद्र भी कर सकते हैं, लेकिन स्पर्श करना मना है। पर घर में रखेंगे तो यदि किसी के घर में है तो माता बहनों को यदि किसी दिन पूजा करने की जो स्थिति बन जाए तो वे केवल उन गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य ऊपर से ही समर्पित करें, स्पर्श न करें, ये शास्त्र कहते हैं। इसी तरीके से शूद्रों को तो घर में शिवलिंग रखना नहीं चाहिए। पार्थिव लिंग का हर व्यक्ति अधिकारी है, रात्रि में भी हर समय चाहे किसी भी स्थिति में हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्रियां अंत्यज और जो भी हो, सब लोग पार्थिव शिवलिंग बना करके, मिट्टी के शिवलिंग बना करके अपनी अपनी स्थिति के अनुसार यथा ज्ञानानुसार उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके और उनमें पूजन कर सकते हैं। अन्यथा किसी भी महिला को और ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को भी जिनका उपनयन नहीं हुआ है और शूद्रों को जिनका उपनयन होता ही नहीं है, इनको कभी भी मंदिर में प्रतिष्ठित या चल पाषाण आदि के धातु आदि के कोई भी शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से शालग्राम भगवान का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि वे करते हैं तो देखिए स्कंद पुराण में क्या उनकी स्थिति बतलाई गई है। देखिए, स्त्रीणाम अनुपनीतानाम शूद्राणां च नराधिप स्पर्शने नाधिकारोस्ति विष्णुर्वा शंकरस्य च। स्त्रीणाम माने स्त्रियों का, अनुपनीतानाम माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऐसे जिनका जनेऊ नहीं हुआ है, उपनयन संस्कार जिनका नहीं हुआ है, और हे नराधिप शूद्राणां च,
और शूद्रों का, विष्णो शंकरस्य वा स्पर्शने न अधिकारः अस्ति। विष्णो माने शालग्रामस्य, शालग्राम का और शिवस्य माने शिवलिंग का स्पर्श करने में अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी कोई यदि अनधिकार चेष्टा करे, स्पर्श करता है, स्पर्श करके पूजन करता है, माने शास्त्र की आज्ञा का, भगवत आज्ञा का उल्लंघन करता है, तो क्या परिणाम है? तो उसी के नीचे फिर कहते हैं कि शूद्रो वानुपनीतो वा स्त्री वापि पतितोपि वा केशवम वा शिवम वापि स्पृष्ट्वा नरकमश्नुते। कोई भी शूद्र या अनुपनीत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी, वे भी तत्तुल्य ही होते हैं, जिनका उपनयन नहीं हुआ, भले ही वे ब्राह्मण हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों, लेकिन उनको भी उसी स्थिति में रखा गया है, स्त्री स्त्रियों का और पतितो पिबा और पतित का, जो पतित हो गया है, मदिरा पान करने से भी पतित हो जाते हैं, और बहुत पातित्य के लक्षण अजय भी हम किसी में बतलाएंगे कि किन किन कार्यों को करने से व्यक्ति पतित हो जाता है। तो पतित ये व्यक्ति भले ही उपनयन हो गया है, समझ रहे ना, ब्राह्मण भी है, लेकिन ऐसे कर्म करते हैं जिनसे उनको पातित्य हो गया है, शास्त्र उनको पतित संज्ञा देते हैं, तो उन लोगों को भी शिवलिंग या शालग्राम स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, खो बैठे भी अपने अधिकार को। अगर फिर स्पर्श करते हैं, स्पृष्ट्वा माने स्पर्श करके, नरकम अश्नुते, वो नरक भोगते हैं, नरक में जाते हैं। इसलिए कई माता बहने हमको पूछती रहती हैं, कथाओं में भी पूछती हैं, तो उन सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप पूजा करें, पूजा करने का देखो निषेध नहीं है, पति के साथ में हर महिला पूजा कर सकती है, लेकिन स्पर्श नहीं, पति के अलावा भी वे पूजन कर सकती हैं, लेकिन वैदिक मंत्रों से नहीं। पति के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिनके जिनका उपनयन हो गया है, ऐसे जिनके पति हैं, उनके साथ बैठ करके वैदिक पूजन में भी उनका अधिकार है, अन्यथा पौराणिक पूजन में उनका अधिकार है, ब्राह्मण द्वारा पौराणिक पूजन करवाएं और वे स्पर्श पूर्वक पूजन करें, या पार्थिव लिंग का भी पौराणिक विधि से स्पर्श पूर्वक पूजन कर सकते हैं, अन्यथा मंदिरों में या घर में चल विग्रह जो चल शिवलिंग है या शालग्राम है, कई महिलाएं शालग्राम रखती हैं और पूजन करती हैं, ये शास्त्र निषेध करते हैं। हाँ, पूजन आप कर सकती हैं, ध्यान रहना, पूजन में निषेध नहीं है, स्पर्श में निषेध है। और पूजन पंचोपचार से मुख्य रूप से होता ही है कि उनको ऊपर गंध लगा दीजिए चंदन घिस करके, और नहीं चंदन हो तो तुलसी काष्ठ, जो तुलसी देवी सूख जाती है उनको घिस करके वो चंदन लगा दीजिएगा, और शालग्राम पर चावल नहीं चढ़ाए जाते तो श्वेत तिल चढ़ा दीजिएगा, भगवान शंकर पर चावल चढ़ा दीजिए, और पुष्प तुलसी दल बिल्व पत्र जो भी हो, शंकर जी पर भी तुलसी दल चढ़ता ही है, अगर नहीं हो तो बिल्व पत्र ना हो तो तुलसी दल ही, तुलसी मंजरी चढ़ा दे, और धूप दूर से दिखा दें, दीप जला करके दिखा दे मैं, और भोग लगा दें, और प्रार्थना करें, बैठ करके कीर्तन करें, नाम संकीर्तन करें, इसमें ही उनका जो है सब पूजन हो गया, सब स्थिति हो गई। केवल स्पर्श करना शास्त्रों में मना करते हैं। तो ये शास्त्र की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा मानने में ही सबका कल्याण है। चंदन तो तुलसी काष्ठ का घिसके लगाए, चंदन दूर से ही लगाना, ये बता ना, ऐसे चंदन छोड़ना है। चंदन में भी कहती हैं कई महिलाएं कि भाई चंदन लगाएंगे तो हाथ लगाना पड़ेगा, नहीं, चंदन ऐसे ही लगाना है, ऐसे अनामिका उंगली से छिड़क देवे देवता के ऊपर, चंदन न लगा, या पुष्प में लगा करके, अगर कोई कहे मित्रकुंड लगाना है तो पुष्प में चंदन लगा करके पुष्प से अंकित कर दीजिए। शिवलिंग का स्पर्श करना मना है, क्योंकि स्पृष्ट्वा नरकमश्नुते, कई ऐसे वचन है कि पूजन के लिए निषेध नहीं है, पूजन कर सकते हैं, पूजन चारों वर्ण ही कर सकते हैं, ठीक है ना, पूजन में किसी का निषेध नहीं है, ध्यान रखें, पर स्पर्श और अस्पर्श में इसमें विवेक है, इसमें शास्त्र ने विचार किया है। हर हर महादेव।